हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन की 86। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आ रही है दोस्तों, लेकर चलेंगे आपको आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट आपको दिख रहा होगा कि CEN 1 2019 NTPC CBT 1 एग्जाम 4th फेज द नोटिस ऑन द रीशेड्यूलिंग द अफेक्टेड केरला कैंडिडेट हु आर शेड्यूल्ड इन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। वैसे स्टूडेंट जिनका कि एग्जाम केरला के छात्र थे और उनका जो एग्जाम था कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट में था। जी हाँ, कौन से डेट में था तो ये आपको बताऊंगा मैं, लेकिन ये फोर्थ फेज एग्जाम की बात हो रही है, यानी कि फोर्थ एग्जाम यहाँ पे जो दिए हैं छात्र फरवरी महीने में, उनके रिगार्डिंग ये अपडेट है। ये क्या अपडेट दी गई है, इसके बारे में सारा डिटेल इस नोटिस के जरिए बताने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, और जो भी मेरे भाई बंधु हमारे चैनल पे नए हैं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है। आप जैसे ही चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे, वैसे ही आपको यहाँ पे नीचे सारा डिटेल मिलेगा ऑफिशियली हमें सोशली कनेक्ट करने को लेकर। जो भी नोटिफिकेशन आते हैं दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम को लेकर, हम आप तक साझा करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ जल्दी करें और हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। ये नोटिस जो है यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। जी हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये अपडेट दिया गया है फॉर द एडवर्टाइजमेंट CEN 1 2019। जी हाँ दोस्तों, ये सर्कुलेट कराया गया है इस नोटिस को कि रीशेड्यूलिंग ऑफ द अफेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द केरला हु आर अलॉटेड सेंटर इन द कर्नाटका एंड द तमिलनाडु। दोस्तों, जिन छात्रों का यहाँ पे कर्नाटका और तमिलनाडु में एग्जाम था, वैसे छात्र जो कि केरला से हैं, अब उनको देखिए प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैं एक सिंपल भाषा में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग जब एग्जाम देने गए इन दोनों स्टेट में, तो वहाँ पे एंट्री उन लोगों को मना कर दी गई। क्यों? क्योंकि कुछ कोविड-19 के गाइडलाइंस यहाँ पे दिए गए थे ट्रैवलिंग को लेकर, जो कि यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा था, और साथ ही साथ इन लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए मौका नहीं मिल पाया। तो उसी को लेकर इन छात्रों ने अपील किया यहाँ पर इंडियन रेलवे से, तो इस अपील को यहाँ पे उन लोगों ने कंसीडर कर लिया है। अब देखिए, यही बात है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखिए फोर्थ फेज के बारे में बताया गया कि CBT 1 बींग द हेल्ड ऑन द 15th of February टू द 3rd of March। जी हाँ दोस्तों, 15 फरवरी से 3 मार्च तक ये एग्जाम हुआ है आपका फोर्थ फेज का CBT 1 का, जिसमें कि अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि फोर्थ फेज का अभी एग्जाम चल रहा है, देखिए कल और परसों भी है, जहाँ पर CBT 1 में कुछ केरला के कैंडिडेट हैं जो कि अलॉटेड किए गए थे उनके एग्जाम सेंटर्स कर्नाटका और तमिलनाडु में। ये बातें कही गई हैं यहाँ पर, बिल्कुल। आगे चलते हैं, थर्ड वाले पैरा में लिखा गया कि हाउएवर द कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट वाइड सर्कुलर नोटिस, देखिए ये नोटिस संख्या है डेटेड ऑन द 16th of February, 16 फरवरी को ये नोटिस जारी किया गया है इनके द्वारा, यह कर्नाटका स्टेट के द्वारा, एंड द तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज क्रिएट द नोटिस, और उनके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, डेट 24 फरवरी को जारी किया गया है। लेकिन ये जो नोटिस यहाँ पे जारी किया गया, इस नोटिस को देखते हुए ट्रेवल मेजर गाइडलाइंस भी जारी किए गए थे अराइविंग फ्रॉम केरला, चूंकि केरला से कुछ लोग ऐसे आ रहे थे जिनको कि कोविड-19 होने की शक आशंका यहाँ पर थी, तो इसलिए ये क्या है, तो तमिलनाडु और कर्नाटका ने ये गाइडलाइन जारी किए थे, जिसके चलते इन छात्रों को यहाँ पे एग्जाम देने में दिक्कतें हुई, उसका सामना करना पड़ा। इन द रिगार्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन वेयर द रिसीव्ड हेल्प डेस्क फ्रॉम द सम ऑन अफेक्टेड कैंडिडेट, अब यहाँ पे हेल्प डेस्क के जरिए इन लोगों ने मदद मांगी भाई रेलवे से, आरआरबी की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे आरआरबी ने क्या किया, कीपिंग द व्यू ऑफ द न्यू ट्रेवल मेजर जो स्टिपुलेटेड बाय द कर्नाटका एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट, यहाँ पर जो भी गाइडलाइन जारी किए गए थे उसको लेकर ये कंसिडर किया इन लोगों ने, और यहाँ पे बोला गया कि बिल्कुल भाई ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी दिक्कत, तो इनको एग्जाम देने का मौका दिया जाए। तो यहाँ पे इट डिसाइडेड टू कंसिडर एंड द रिशेड्यूल द एग्जाम ऑफ द अफेक्टेड केरला कैंडिडेट हु एग्जाम आर शेड्यूल इन द कर्नाटका फ्रॉम द 16th of February एंड तमिलनाडु फ्रॉम द 24th of 21। तो यहाँ पे 16 फरवरी और यहाँ पर 24 फरवरी को जिनका एग्जाम तमिलनाडु और कर्नाटका में था भाई, उनके लिए हेल्प डेस्क पर जाके अपने आप को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना अपने को, ठीक है, कि आपका एग्जाम नहीं हुआ वहाँ पे, ओके। और ये कंसीडर किया गया है, तो आप लोगों को लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है, आप लोग किसी भी हेल्प डेस्क पे जाके अपना वो अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑल द अफेक्टेड कैंडिडेट हु आर डिजायर्ड टू देयर एग्जाम रिशेड्यूल्ड शुड रजिस्टर एंड द सबमिट देयर रिक्वेस्ट थ्रू द हेल्प डेस्क लिंक अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी फ्रॉम द 5th of March। जी हाँ, 5 मार्च से आपको जाकर क्या करना है,
तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है अपने, सबमिट करना है, रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा अपडेट था यहाँ से जो दिया गया है। और देखिए सातवां पारा में क्या गया है, इट इज़ वंस अगेन द रिटायर्ड एट द एग्जाम विल बी रिशेड्यूल फॉर द दोज अफेक्टेड कैंडिडेट मेंशन इन द पैरा फाइव हु सबमिट देयर रिक्वेस्ट ऑन द हेल्प डेस्क लिंक प्रोवाइडेड द आरआरबी वेबसाइट। अब ये एक तारीख का ये अपडेट था यहाँ पे। अब जो लिंक दिया गया हेल्प डेस्क का, आप लोगों को लिंक दिया गया है ऑलरेडी, अब वहाँ पे जाके इसको जाके क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन जो है सबमिट कर देना है। देखिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको हेल्प डेस्क का लिंक दिख जाएगा कहीं भी, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। मित्रों देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ, यहाँ पे कहीं भी होगा यहाँ पे हेल्प डेस्क का, जो कि आपको आप वो वहाँ पे क्लिक करते ही आपको सारा जो भी क्लियरिफिकेशन करना होता है वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिएगा 18/12 को एक अपडेट है, लिंक दिया गया है हेल्प डेस्क फॉर द एप्लीकेशन फॉर द, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। किसी भी हेल्प डेस्क वाले लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे मित्रों, और वहाँ से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन कीजिएगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, और साथ ही साथ अपना पासवर्ड डालिएगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, और लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको अपडेट करनी है वहाँ पे एक क्वेरी अराइज होगा, और क्वेरी आपका डेटा आ जाएगा, पूरा लिस्ट आ जाएगा, और क्वेरी अराइज करने का एक ऑप्शन बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे बॉक्स में अपना क्वेरी अराइज कर दीजिएगा कि आप ड्यू टू दिस वे दिस कारण से आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो आप लोग इसके लिए कंसिडर किए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर नोटिस दिया गया है, और इस नोटिस का नंबर भी दे दीजिएगा जो कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, और ये जो लिंक है मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आप जो भी छात्र हैं कर्नाटका से, केरला से, तमिलनाडु से, जो कि इसके रिगार्डिंग इश्यूज क्रिएट हुए हैं आपके एग्जाम को लेकर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और ये अपने दोस्तों के ग्रुप में देखिए शेयर करना होगा आपको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि केरला से हैं और वो एग्ज़ाम देने में असमर्थ रहे हैं ड्यू टू दिस रीज़न, तो आप लोगों को उनको हेल्प करना होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से। और देखिए ऐसे ही आप पल पल अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और जैसे ही आपको आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो ये सारे डिटेल आपको देखने को मिलेगा मित्रों। ठीक है, आज के ही डेट में ये अपडेट किया गया है। एक तारीख को एक और अपडेट दिया गया है, और ये अपडेट दिया गया है नोटिस रिफंड एग्ज़ाम फी फॉर द प्रेजेंट कैंडिडेट, क्लिक हियर टू फीडिंग द फ्रेश बैंक अकाउंट डिटेल, अपना अकाउंट डिटेल डालना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो कि एडवर्टाइजमेंट संख्या था 3/2019 को लेकर, उनका फीस जो है वो रिटर्न किया जा रहा है, रिफंड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जैसा कि प्रॉमिस किया गया था उसको लेकर अपडेट दिया गया है। तो यहाँ भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रिगार्डिंग द CEN एडवर्टाइजमेंट संख्या 3/2019 मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी को लेकर रिफंड किए जा रहे हैं आपके एग्जाम फीस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो आपको क्या करना है, करेक्ट अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालना है यहाँ पर, और अपने बैंक अकाउंट डिटेल के साथ साथ आपको ये अपडेट कर देना है 17 मार्च से पहले। अब यहाँ पे ये अपडेट दिया गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस अपडेट को अच्छे से देखिएगा, और कम से कम आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक दिया जाएगा यहाँ पे, और उसी पे 17 मार्च तक आपको ये अपडेट कर दिया जाएगा SMS के जरिए भी आपको, और ईमेल के जरिए भी, कि आपका रिफंड हो चुका है। तो ये एक छोटा सा लिंक अपडेट है यहाँ पे दोस्तों, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के छात्र जो है आवेदन किए थे उनको यहाँ पर रिफंड किया जा रहा है एग्जामिनेशन फी एंड द करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। उनको बोला गया है कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल जो है करेक्ट करने का एक आखिरी मौका और पा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा अपडेट था यहाँ से जो कि मैंने आपको बताया है, और इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइए ताकि वो इस एग्ज़ाम से वंचित ना रह सकें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।